टीवी इंडस्ट्री से बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। महाभारत सीरियल में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर गोफी पेंटल अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद गोफी पेंटल ने दम तोड़ दिया है। एक्टर की मौत की खबर से टीवी और सिनेमा जगत में सन्नाटा फैल गया है। एक्टर गोफी पेंटल बीमारी की वजह से लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनकी तबीयत कई दिनों से नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टर्स ने उनके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज सुबह मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 78 साल के गोफी पेंटल हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। जानकारी के मुताबिक एक्टर का अंतिम संस्कार आज दोपहर अंधेरी में होगा। एक्टर गोफी पेंटल को लोग टीवी शो महाभारत में शकुनी मामा के तौर पर जानते थे। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी थी, लेकिन गोफी पेंटल एक्टर बनने से पहले सेना में थे, पर उनके भाई अमरजीत पेंटल पहले से ही बॉलीवुड का हिस्सा बने हुए थे। ऐसे में भाई को देखकर गोफी पेंटल भी मुंबई आ गए और एक्टर के तौर पर उनकी पहचान बन गई। आपको बता दें कि गोफी पेंटल ने वैसे तो अपने करियर में काफी काम किए हैं, लेकिन उन्हें लोकप्रियता बीआर चोपड़ा की महाभारत से मिली थी। इस शो में उन्होंने एक्टर के तौर पर तो काम ही किया था, लेकिन शो में अर्जुन कृष्ण और भीम पितामह जैसे पॉपुलर किरदारों की कास्टिंग भी उन्होंने ही की थी। उनके निधन के बाद अब मुकेश खन्ना सहित महाभारत के एक्टर्स ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। महाभारत के शकुनी मामा उर्फ गोफी पेंटल का जाना बॉलीवुड और टीवी सितारों की आंखें नम कर गया है। सोशल मीडिया पर सितारों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक्टर का किडनी की बीमारी की वजह से 5 जून को निधन हो गया है। और ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MCS News Official के साथ।